नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना मस्जिद शरीफ में आए नमाज पढ़ाने। बहुत सारे लोग ना बचपन से बड़ी मोहब्बत वाले होते हैं, छोटे होते ही बड़े प्यार वाले होते हैं, इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी। छोटा सा बच्चा हुजूर मस्जिद में आए नमाज पढ़ाने तो नबी करीम अलैहि सलाम ने अपने नालैन मुबारक उतारे तो उस बच्चे ने फटाफट उठा लिए, उठा के ना फिर उसने वो जूते साफ किए, साफ करके अपने पास रख लिए। हुजूर नमाज पढ़ा के बाहर निकले, छोटी सी उम्र है, उसने हुजूर के सामने ना वो यूं करके नालैन शरीफ रखे, करीम रसूल ने पहन लिए, हुजूर मुस्कुरा के चले गए। कैसा नसीबों वाला बच्चा है। अगली सुबह फिर हुजूर नमाज के लिए आए तो उसने उसी तरह महबूब ने जूते उतारे तो उसने उठा लिए, फिर हुजूर के जूतों को साफ किया, फिर अपने पास संभाल लिए। हुजूर ने नमाज पढ़ाई, फरागत के बाद करीम निकले तो उसने फिर उसी तरह जूते रखे। तीसरा दिन हुआ, वो यूं सामने खड़ा है, हुजूर ने यूं मुस्कुरा के देखा, करीम ने देखा, महबूब ने जूते उतारे, उसने थामे, साफ किए, अपने पास रख लिए। हुजूर तकमीले नमाज पर बाहर निकले, जूते उसने सामने रखे। अब हुजूर ने पूछा, बेटा क्या नाम है? यानी हुजूर ने पूछा नबी करीम, मैंने सुना है वो बन सवर कर मेरी यादत को आ रहे हैं। ये देखो ना, निर्ख बाजारे मोहब्बत का अनोखा ही हो गया, निर्ख बाजारे मोहब्बत का अनोखा ही हो गया, खुद खरीदारों में शामिल आके मौला हो गया। यानी हुजूर ने खुद हाल पूछ लिया, नबी करीम ने हाल पूछा, क्या नाम है? उसने कहा फुलाना। बाप का क्या नाम है? हुजूर फुलां बिन फुला। किस कबीले से हो? या रसूलल्लाह फुलाने कबीले से। फरमा, तुम्हें किसने कहा मेरे जूते उठाओ, साफ करो, पास रखो, जब निकलू तो दो? अर्ज करने लगे, हुजूर किसी ने भी नहीं कहा, मेरा दिल करता है। या रसूलल्लाह मेरा दिल करता है, मुझे किसी ने भी नहीं कहा। महबूबे करीम ने ना वहीं खड़े खड़े दोबारा रुख फेरा मस्जिद की जानी, काबे की जानी मुंह करके हुजूर फरमाने लगे, ए अल्लाह, ये तुझे राजी करना चाहता है, तू भी इससे राजी हो जा। ए अल्लाह, जैसे ये मेरी खुशी चाहता है, तू भी इसे खुश कर दे।